सिरसा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीन के लिए मेगा ड्राइव शुरू किया गया है, जिसके तहत सिरसा जिला में 29 केंद्रों पर पहले से पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक सिरसा जिला में लगभग 4000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अब अगली डोज पहली रोज के 28 दिन बाद सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी, जिसके लिए जिला में 7320 वैक्सीन का स्टॉक पहुंच चुका है। सिरसा के लिए राहत भरी खबर यह भी है कि जिले का चोपटा खंड अब कोरोना मुक्त हो चुका है। सिरसा जिला में अब केवल 12 ही एक्टिव केस बचे हैं। आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां थी अब दूर हो चुकी हैं। जिला में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। आज हमारी सेकंड एक मेगा ड्राइव है, जिसके अंदर हमने 29 सेंटर्स जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए हैं, और जो भी हमारा लेफ्ट आउट रह गए हैं, जो रह गए थे, उन सभी को आज टीके लगाए जाएंगे। सर, क्या इसमें जो पहले से रजिस्टर्ड वही है या जो पहले से रजिस्टर्ड है सिर्फ उन्हीं को टीका लग सकता है। अगर इसके अंदर नेक्स्ट अगर फेज भी आएगा तो उसकी भी पहले रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद उसके टीके लगेंगे। अब तक कितने लोगों को जो है लग चुके हैं? कल तक हमारे जो थे 3923 थे जिनको लग चुके थे। आज भी जो हमारा टारगेट है कम्प्लीट करने का है, तो 6400 हमारा टोटल टारगेट है, उसके नज़दीक पहुँचने की कोशिश करेंगे हम। और भी डोज हमारे पास नेक्स्ट जो है सेकेंड डोज के लिए भी हमारे पास स्टॉक आ गया है, 7300 के करीब हमारे पास इंजेक्शन है जो और आ गए हैं डोजेस। वो कब शुरू की जाएगी सर? सेकेंड ड्राइव जो है वो 28 दिन के बाद, पहले दिन जो टीका लगा उसके 28 दिन के बाद सेकेंड टीका लगना है, उसकी डोज है वो। नए जो ड्राइव आएगा 50 साल से ऊपर वाला, वो कब आएगी डोज? अभी इसके बारे में कोई हमारे पास नहीं आया, लेटर नहीं आया है। और सेकेंड डोज जो हमारी है कि सेकेंड फेज कब आना है, उसकी जल्दी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तभी हम उसके बाद शुरू करेंगे। जिले का कोई ऐसा खंड भी है जो कोरोना मुक्त हुआ? आज बिल्कुल हमें खुशी है कि जो हमारा नवसारी चौपटा ब्लॉक है उसके अंदर कोई भी केस नहीं है, कोई एक्टिव केस भी नहीं है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि आज नवसारी चौपटा जो है वो हमारा कोरोना मुक्त हुआ है। पूरे सिरसा की बात करें तो क्या सिचुएशन? पूरे सिरसा की बात करें तो आज हमारे पास टोटल 12 ही एक्टिव केस रह गए हैं, जिनमें से 3 आज आए हैं हमारे पास, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही कोरोना के ऊपर ये जो है जो हमारी लड़ाई चल रही है उसके अंदर हम पूरे विजयी होंगे। और लेकिन इसके अंदर हमारे को पब्लिक का पूरा साथ चाहिए। अभी भी मास्क लगाना ज़रूरी है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, अभी भी आपको साबुन से अपने हाथ धोने ज़रूरी हैं।